Now, we will be looking at two special cases in case of PPE. Two special cases in case of PPE. The first special case is exchange of asset. एक्सचेंज ऑफ असेट मतलब एक टाइप का बार्टर हो गया. सी नॉर्मली व्हाट वी डू इज अपन हमेशा वी पे समथिंग एंड वी बाय द असेट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन अक्वायर अ पीपीई बाय गिविंग वन अनदर पीपीई. आप एक नॉन मॉनेटरी असेट अक्वायर कर सकते हो बाय गिविंग अ नॉन मॉनेटरी असेट, और यू कैन गिव अ कॉम्बिनेशन. आप थोड़ा पैसा भी दे दो, थोड़ा असेट भी दे दो. सो नाउ प्रॉब्लम किधर आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने यू आर मिस्टर एक्स, यू हैव गिवन अप से मशीन, और आपने मिस्टर वाई से बिल्डिंग अक्वायर किया है. द क्वेश्चन इज नाउ दैट यू आर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, असेट इज ऑलवेज इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होता है. वी हैव जस्ट स्टडीड असेट इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. बट नॉर्मली वेन एवर यू, अगर आप नॉर्मल केस में कुछ भी बाय करते हो, यू पे समथिंग, यू पे लिटरली कैश, तो आपको पता होता है कि वॉट इज द कॉस्ट. इन सच अ केस आप कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपने मशीन गिव अप करके बिल्डिंग अक्वायर किया. इन सच केस हाउ विल यू रिकॉर्ड द कॉस्ट? सो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा वेदर द ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग, ये जो एक्सचेंज हो रहा है ऑफ असेट, इज इट, डज द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस ऑर नो. जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा दैट द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस ऑर नो, और इट डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस. What do you mean by commercial substance? मतलब कि ये actually genuine transaction है कि नहीं है, मतलब transaction on paper है कि actually में कुछ exchange हो रहा है. How do you record? आपको कैसे समझ में आएगा वो commercial substance है कि नहीं? If the possession of the person pre-barter and post-barter changes, मतलब कुछ ना कुछ expense हो रहा है, कुछ ना कुछ income इधर उधर, कुछ ना कुछ कुछ cash flow position change हो रहा है, तो अपन बोलेंगे यस इट हैज कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इट्स अ जेन्युइन ट्रांजेक्शन. बट अगर बार्टर के बाद कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सामने के वाले के पास भी वही असेट है, आपके पास भी वही असेट है, दैट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज ओनली ऑन पेपर एंड इट इज लैकिंग कमर्शियल सब्सटेंस, तो उसका ट्रीटमेंट अपन देखेंगे. वॉट आर वी सपोज टू डू? सो कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, कि मिस्टर एक्स था जिसने मशीनरी दिया वाई को एंड रिटर्न में बिल्डिंग लिया, ठीक है. Now, in the books of X, we are recording. In the books of X, golden rules of accounting, kya bolte hai? Asset, what comes in? We will debit building account. Before that, there is thoda information apne ko diya hai ki machine ka se return on value is 100, fair value is 300 rupees. Building ka fair value is also 300. Now, in the books of Mr. X, aap karoge building account debit, that jo asset aa raha hai. Two, आपकी बुक से कौन सी असेट जा रहा है? आपके बुक से कौन सा असेट जा रहा है? टू मशीनरी, करेक्ट. एट व्हाट वैल्यू? आपकी बुक्स में जो वैल्यू है, असेट का वैल्यू है 100 और आपका फेयर वैल्यू है 300. मशीनरी आप क्या अमाउंट से क्रेडिट करोगे? यू विल क्रेडिट इट बाय द रिटर्न ऑन वैल्यू. द मूवमेंट आपने इधर अगर 300 ले लिया, प्रॉब्लम क्या होगा? आपकी बुक्स में तो असेट 100 का दिख रहा है, आप क्रेडिट कर रहे हो 300 का, नेगेटिव असेट आ जाएगा. That is not about fair value होगा, I'm not denying the fact. But आपको जब asset को निकालना है आपके books से, you have always have to credit by the written down value. The moment आपने fair value से कर दिया, तो books asset में asset आपके books में asset दिख रहा है 100 और इधर आ जाएगा आपने asset credit किया 300 से, -200 का effect आ जाएगा, that is wrong. तो asset आप credit करोगे 100 से, correct? Now the problem is कि आप जो नया मशीन अक्वायर कर रहे हो, वॉट एवर न्यू मशीन यू आर, न्यू बिल्डिंग यू आर अक्वायरिंग, पूरा का पूरा अपना जो भी डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दैट कि असेट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, करेक्ट. अभी बार्टर के केस में हाउ विल बी डिटरमाइन कॉस्ट, अभी मैं आपको पूछूंगा. पूरा का इधर अपन क्या कॉस्ट लिखेंगे? नाउ फर्स्ट थिंग्स, द वेरी बेसिक थिंग है कि कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो? आप कुछ पे करते हो. हियर यू आर गेटिंग बिल्डिंग बाय गिविंग अप मशीनरी. मशीनरी का फेयर वैल्यू कितना है? आप बोलोगे 300, मतलब 300 दे के आपको ये, आपने 300 रुपीस या 300 रुपीस का फेयर वैल्यू देके आपने मशीन अक्वायर किया है, मतलब बाकी जो भी बचा
200 का डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑन बार्टर, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑन बार्टर। सी इन दिस केस फर्क नहीं पड़ने वाला था, बिकॉज एनीवेज आपका मशीनरी का भी फेयर वैल्यू वही था और आपका बिल्डिंग का भी फेयर वैल्यू वही था। सो नॉर्मली व्हाट इज कॉस्ट, आप जो असेट दे रहे हो नॉर्मली आप कैश पे करते हैं, इधर आप कैश नहीं पे कर रहे हो, आप एक असेट पे कर रहे हो, मतलब असेट दे रहे हो। सो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप वी विल बी टेकिंग इट एज द फॉर द बिल्डिंग। नाउ ये जो है ये आपका रिवैल्यूएशन नहीं है, दिस इज प्रॉफिट ऑन बार्टर। मेनी पीपल थिंक कि हाँ असेट रिवैल्यू हुआ है, आप अपने बुक्स में अपना रीअसेट अपना असेट रिवैल्यू करते हो, योर बिल्डिंग जो दूसरे का असेट दैट इज कमिंग इन टू योर बुक्स, यू कैन नॉट से यू हैव रिवैल्यूड द असेट, बट दिस इज प्योर एंड प्योर प्रॉफिट ऑन बार्टर। आर वी क्लियर? नाउ वॉट इफ द फेयर वैल्यू गिवन हियर इज 350? वॉट इफ द फेयर वैल्यू हियर गिवन इज 350? नॉर्मली वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? अपन क्या वैल्यू से डेबिट करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड इज मोर रिलायबल। अभी अपने केस में आप बोलो सर दोनों का फेयर वैल्यू है, वी डोंट नो व्हिच इज मोर रिलायबल, व्हाट वैल्यू विल वी टेक? सो हियर वी विल फॉलो द इंस्टीट्यूट का हायरार्की। इंस्टीट्यूट का हायरार्की क्या बोलता है? इफ फेयर वैल्यू इज गिवन, दोनों का फेयर वैल्यू दिया है, यू डोंट नो द रिलायबिलिटी कौन सा ज्यादा रिलायबल है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। पहला प्रेफरेंस आप दोगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड, एंड थर्ड प्रेफरेंस अगर दोनों नहीं दिया है तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, वाई ऑलवेज गिवन अप को पहले प्रेफरेंस दिया है? बिकॉज कॉस्ट इज समथिंग जो आप पे करते हो। आपको सामने फेयर वैल्यू असेट मिला है 350 का, मैं तो बोला 350 के 1000 करोड़ का असेट मिला होगा। सपोज यू गो एंड बाय अ फ्लैट इन द बिल्डिंग, ठीक है, आपने बिल्डर को बोला लिसन द फ्लैट का कॉस्ट आई डोंट नो पर मेरे पास एक जूना फ्लैट पड़ा है वो उसका कॉस्ट है 3 CR, तो बिल्डर बोलता है ठीक है आप वो फ्लैट दे दो और ये असेट लेके जाओ। अभी समझो अगर सामने वाले का बिल्डर का असेट अगर 10 करोड़ का भी हुआ, वॉट विल यू गो एंड टेल पीपल? आपको असेट कितने में पड़ा? आप बोलेंगे 3 करोड़ का, मैंने 3 करोड़ का असेट गिवअप किया। कॉस्ट इज वॉट नॉट वॉट इज वैल्यूएबल। सामने वाले का आपने जो असेट लिया है वो कितने में लिया, दैट इज नॉट योर कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या, आपने जो असेट गिवअप किया है, आपने जो पे किया, नॉर्मली आप कैश पे करते हो, हियर इन दिस केस यू हैव नॉट गिवन कैश बट यू आर गिवन अप एन असेट जिसका कॉस्ट है 300। सो हियर इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 350, मैं तो क्या बोलता हूँ 350 क्या ये 1000 भी होने दे दो, बट स्टिल वॉट इज कॉस्ट टू यू? कॉस्ट इज समथिंग वॉट आप जो पे करते हो, हियर यू आर पेइंग बाय गिविंग अप अ मशीनरी, हेंस वी विल टेक द फेयर वैल्यू ऑफ 300 ओनली, और जर्नल एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आर वी क्लियर? दिस इज वेयर if the transaction has commercial substance. What if the transaction does not have commercial substance? Let's take an example. Suppose you are a car dealer, ठीक है? You are a car dealer, Mr. X, और आपने एक barter transaction enter किया with a car dealer, again, Mr. Y. What happened? आपके पास समझो Hyundai की i10 जो कार आती है, you had 20 such cars, आपके पास 20 cars थी Hyundai की, ठीक है, रेड कलर की सेम। ये सामने वाले के पास भी Hyundai की 20 cars ही थी रेड कलर की, ठीक है, दोनों कार की फेयर वैल्यू इज 300 ओनली। आपने क्या बोला, यू टेक my 20 cars एंड आई विल टेक योर सेम 20 cars एट सेम फेयर वैल्यू ऑफ 300। नाउ यू सी दिस ट्रांजेक्शन डज इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस? इस ट्रांजेक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, ये कोई रीजन से एंटर किया होगा, वो रीजन विल डिस्कस। बट इधर क्या हो रहा है, देर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द कैश फ्लो, ना किसी का एक्सपेंस बढ़ रहा है, ना किसी को इनकम कर रहा है, ये खाली ऑन पेपर है। तो इस ट्रांजेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, दिस ट्रांजेक्शन वी विल कॉल इट एज अ ट्रांजेक्शन विल लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड एट पीपीई टू बी रिकॉर्डेड एट WDV ऑफ द असेट गिवन अप, WDV of the asset given up. अभी ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं अपन। Why would they have entered into transaction? हुआ क्या रहेगा, मिस्टर कार के पास समझो कोई कार है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 100 है, फेयर वैल्यू 300 है, इसके पास भी वही है।
पूरे साल इन लोग के पास कुछ काम ही नहीं था, दे हैव नॉट अर्न एनीथिंग। अभी इनके शेयर होल्डर्स आके बोलेंगे भाई आपने किया क्या पूरे साल, 20-20 कार्स, 20-20 गाड़ी आपके पास थी, आपने कुछ भी, यू नॉट इवन अर्न सिंगल पेनी। तो उसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या बोला, ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्रेंड मिस्टर वाई, उसको बोला देख तेरे पास भी वही गाड़ी है, मेरे पास भी वही गाड़ी है, काम कर, लेट्स एंटर इनटू अ बार्टर ट्रांजेक्शन। तो बोला ओके, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा द मोमेंट यू एंटर इनटू द बार्टर ट्रांजेक्शन आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट 300, मेरे इधर से रिटर्न ऑन वैल्यू 100 का चला जाएगा और वील बी एबल टू शो प्रॉफिट ऑन बार्टर, डायरेक्टली अपने PNL में 200 करोड़ का इनकम आ जाएगा। नॉर्मल केस में क्या होता, अगर वो डायरेक्टली रीवैल्यू करता, समझो ही वुड हैव रीवैल्यू टू 200, तो दिस मनी वुड हैव गॉन इन रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये कभी भी आपके PNL में दिखता ही नहीं, शेयर होल्डर कभी खुश होते नहीं कि आपने कमाया क्या है। द मोमेंट आपने ऐसा बार्टर ट्रांजेक्शन में एंटर किया तो डायरेक्टली आपका बैठे बैठे 200 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो जाएगा इन द PNL विच आइडियली वुड हैव गॉन टू रीवैल्यूएशन। इसलिए इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन विच इज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस विच इज ओनली ऑन पेपर, देन यू विल रिकॉर्ड द PPE एज रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। तो वॉट विल ही डू, दिस पर्सन क्या बोलेगा, मैंने कार वाई लिया 100 पे और मैंने कार दिया एक्स 100 पे, यहाँ पे देर इज नो चेंज इन द कैश फ्लो, कोई प्रॉफिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई रिवैल्यूशन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, हेंस इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला। सो इफ द ट्रांजेक्शन लैक्स, सो इफ द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, तो आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप लोगे अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज मोर रिलायबल। हमेशा कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हमेशा अपन जितना अपन ने असेट दिया होता है वो वैल्यू लेते हैं, अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड इज मोर रिलायबल। अगर दोनों वैल्यू दिया है अपने को रिलायबिलिटी का पता नहीं, तो वी विल फॉलो इंस्टीट्यूट का हायरार्की, दैट इज यू फर्स्ट टेक फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, देन यू टेक फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड, नहीं तो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। और अगर ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस ओनली, तो देन यू विल रिकॉर्ड द PPE एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। आर वी क्लियर? सो लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन पेज नंबर, इन योर नोट्स पेज नंबर 1.8। कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर, सो पहले लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 6, वी आर लेफ्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 6, लेट्स गो ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration 6. Pluto Limited owns land and building. So you have a party that is. So let's read the question. Pluto Limited owns land and building which are carried in its balance sheet at an aggregate carrying amount of 10 lakhs. The fair value of these assets is 15 lakh. It exchanges the land and building for a private jet which has a fair value of 20 lakhs. And additional also pays 3 lakhs. Show the necessary treatment. Now, unless anything is given, अगर कुछ दिया नहीं, we always assume the commercial always has commercial substance. उसमें commercial substance है, it's a genuine transaction. अपना पहला assumption ये रहेगा। तो हुआ क्या इसमें? Pluto Limited, what has Pluto Limited done? Pluto Limited ने land and building दिया, Pluto Limited land building दिया Mr. X को in return for private jet. Private jet मिला उसको. The return on value of land and building is, they have given 10 lakhs. Return on value is 10 lakhs and fair value is 15 lakhs. Is not only given up a land and building, usne saath mein cash bhi diya hai. Kitne ka? He also giving cash of rupees 3 lakhs. So now we have to record the transaction in the books of Pluto Limited. अपन क्या करेंगे? In the books of Pluto, what is coming in? Private jet account debit. और अपनी बुक से क्या जाएगा? Land and building and cash जा रहा है. Land and building कितना? We always take it at return on value. That is 10 lakhs. Correct? Now, private jet, what value? The first thing. अगर दोनों का वैल्यू दिया है, प्राइवेट जेट का भी वैल्यू दिया है, बट वी डोंट नो व्हाट इज मोर रिलायबल, वी ऑलवेज सी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप? यू हैव गिवन अप असेट वर्थ फेयर वैल्यू जिसका 15 लाख है, प्लस यू हैव गिवन 3 लाख आल्सो, मतलब टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप इज 18 लाख, मतलब 18 लाख मिस्टर प्लूटो विल रिकॉर्ड द प्राइवेट जेट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एट 18 लाख बाय गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 10 लाख, कैश दिया 3 लाख का, एंड रिमेनिंग जो भी बचा दैट इज
profit on barter. That is nothing but profit on barter. Kitna aaya? 5 lakhs. Here we have assumed that the transaction does not lack commercial substance. It is a genuine transaction. Are we clear? Chalo. Now let's come on to the next illustration. That is illustration number 7. The solution to illustration number 6 is on page number 1.4 of your solution book. Let's come on illustration number 7. Entity A exchanges car with a book value of 13 lakhs and a fair value of 13,25,000 for cash of 15,000 and car Y, which has fair value of 13,10,000. Assume transaction lacks commercial substance. What will be the measurement cost? अभी हुआ क्या रहेगा? Entity A, what is it done? Is given up car X to Mr. say Y, and in return he got car Y plus he also got cash of 15,000. ठीक है? The written down value of the car is 13 lakhs and the fair value of the car is 13,25,000. Now, whenever the transaction lacks commercial substance, what are we supposed to do? We are supposed to record the barter at the written down value of the asset given up. In our case, Mr. Entity A, he got car Y. Uski books mein kya debit what comes in? Car Y. He also got cash of say 15,000, correct? To car X. Now comes the main thing. Tell me, if we want to record a particular thing, 1 second. So what is the journal entry? Apan journal entry kya bolenge? In case the transaction lacks commercial substance, we have to debit it by the written down value of the asset given up. What is the written down value of the asset given up? 13 lakhs. Matlab, whatever we debit, jitna bhi apan debit karenge, it should be equal to 13 lakhs. Correct? So, if 15,000 is the cash, to car Y ko apan kya cost pe batayenge? 12,85,000. And of course, in the books of Mr. A, car X is going out. That will be at written down value. Correct? What is the principle if the transaction lacks commercial substance? Written down value of the asset given up. What is the written down value of the asset given up? It's 13 lakh. Matlab, whatever I debit, it should be 13 lakhs. Jo bhi meko asset aa raha hai, it should not be more than 13 lakhs. So out of that, if cash I'm getting 15,000, so what will be the car value? Car value will be recorded at 12,85,000. Are we clear? Chalo. What if the transaction did not lack commercial substance? Transaction was a genuine transaction. It did not lack commercial substance. In this case, what will we do? Tell me. Again, apni books mein car aaya, Y. We got cash to car. Car written down value 13 lakhs. Now, if the transaction does not lack commercial substance, so, fair value of the asset given up, unless fair value of the asset received, is more reliable. Agar dono diya hai and we don't have the reliability, we follow the hierarchy. Hierarchy ke hisab se kya rahega? Fair value of the asset given up. In this case, what is the fair value of the asset given up? It is 13,25,000. Whatever I debit, it should be not more than 13,25,000 because this is the fair value of the asset given up. So, if cash is given 15,000, to car I will record it at 13,10,000. Are we clear? And remaining difference will be nothing but to gain on barter, that is 25,000. Are we clear till here? So this is the special case number 1 which we discussed on exchange. Exchange hamesha yaad rakhna, it is always fair value of the asset given up. If not that, then fair value of the asset received. Even if not that, then return on value of the asset given up. Always it's the given up. Why? Because aap jo dete ho, wo aapka cost hota hai, not the fair value aapko jo asset ka mil raha hai. Always remember, don't make a mistake over here. Now, next special case apan jo karenge, that is deferred payment credit. Deferred
पेमेंट क्रेडिट। नाउ टिल नाउ अपन ने जो भी सम किए हैं, जो भी अपन इनिशियल रिकॉग्निशन के सम किए हुए, ऑलवेज रिकॉर्डेड पीपी एट द परचेज प्राइस जो अपन ने पे किया है, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ पीपीई इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एट कैश प्राइस, करेक्ट। यू पेड टूडे और आपने वो कॉस्ट बता दिया, करेक्ट। नाउ वॉट इफ आपने आज परचेस किया बट पेमेंट ऑफ द असेट इज डेफर्ड, पेमेंट ऑफ द असेट इज डेफर्ड मतलब पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट। देखो नॉर्मली क्रेडिट पीरियड 3 महीने का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स रेयर केस, बट वॉट इफ यू हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। तो यर द स्टैंडर्ड सेज कुछ तो गड़बड़ है, स्टैंडर्ड बोलकर दया कुछ तो गड़बड़ है इधर, ये ऐसे कैसे हो रहा है कि आप असेट को आज परचेस कर रहे हो पर सामने वाला पेमेंट 1, 2, 3 साल बाद पे कर रहा है। समवेयर देयर इज सम हिडन ट्रांजैक्शन ओवर हियर जो अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो यू गो टू बाय अ मोबाइल फोन, यू गो टू बाय अ मोबाइल फोन जिसका आज अगर आप वो पता है बार क्रोमा के बाहर या किधर भी कोई भी मोबाइल स्टोर के बाहर आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखोगे, यू पे टुडे कैश प्राइस, आज आप पे करके लेके जाओ फोन 19,534 में, बट इफ यू वांट वी गिव यू ईएमआई ऑप्शन भी बोलते हैं वो लोग, या आप आराम से पार्ट्स पार्ट्स में दो कि एक साथ में प्राइस पे करो, प्राइस टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स आप 26,000 पे करो, ठीक है। नाउ टेल मी अ सिंपल थिंग, ये जो भी आप एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप जितना भी पे करो है कि 6,666, ये आप एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो, आपको क्या लगता है व्हाई यू मस्ट बी पेइंग एक्स्ट्रा? ऐसा कुछ है कि आपको वो दूसरा फोन देने वाला, अगर आप 3 साल बाद को पे करना है तो आपको कुछ वो हैवी फीचर वाला फोन देगा? फोन तो वही है, देर इज नथिंग विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द असेट। ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो कोई असेट, ऐसा नहीं कि असेट आपको हायर वैल्यू का मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्स्ट्रा क्यों पे करो? बिकॉज वो आपको टाइम दे रहा है, ही इज बेसिकली गिविंग यू, यू डोंट हैव मनी राइट नाउ, आप बाद में पे कर देना, बेसिकली देर इज अ हिडन लोन इन दिस, देर इज अ हिडन लोन ट्रांजेक्शन। व्हाई वुड समवन लेट यू पे आफ्टर 1, 2 ईयर्स? अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होता है 3 महीना, 6 महीना, 9 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, एनीथिंग बियॉन्ड 1 ईयर मतलब देर इज अ हिडन लोन ट्रांजेक्शन, द पर्सन इज फाइनेंसिंग यू, वो आपको हेल्प कर रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंटरेस्ट के साथ मुझे बाद में दे देना 26,000। नॉर्मली मोबाइल फोन कंपनी से आप बोलते दे वोंट कॉल दिस एज इंटरेस्ट, द मोमेंट दे कॉल इंटरेस्ट इंडियन मेंटेलिटी क्या है, वी वॉन्ट टू डू, वी डोंट वॉन्ट टू पे इंटरेस्ट, तो दे पुट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, आप कैश प्राइस आज दो, आपको प्राइस 3 साल बाद 26,000 दे देना, वो लोग बोलेंगे नहीं कि हम आपको इंटरेस्ट के नाम पे ले रहे, सो हियर देयर इज अ हिडन लोन। सो व्हाट इज द इशू, प्रॉब्लम क्या आएगा? समझो यू गो विद द सेकंड ऑप्शन, ठीक है, यू गो विद द सेकंड ऑप्शन, वहां पे आपको क्रोमा का बिल मिला, क्रोमा इज इशूड अ बिल मोबाइल फोन 26,000, ठीक है, आप घर लेके आए, आपने फटाफट इधर पीपीई अकाउंट डेबिट कर दिया, Yes, I bought a new phone. I will debit the entire cost. Payment to 3 साल बाद करना है, तो payment to creditors 26,000. Now, what is happening over here? सबसे बड़ा problem हो रहा है कि ये 26,000 में interest छुपा है, 6,466 का interest छुपा है. Interest is nothing but a finance cost. Finance cost मतलब borrowing cost हो गया. Now, if this asset is not a qualifying asset only, तो आपने buy किया, it is ready for use. How can you capitalize interest या borrowing cost to a non-qualifying asset? You can only capitalize the interest to a qualifying asset. अगर ये qualifying asset होता तो आप interest को capitalize कर सकते थे, but ये तो asset ready for use है. The moment आपने 26,000 debit कर दिया, आपने indirectly ये interest cost भी debit कर दिया, ये finance cost जो borrowing cost है उसको भी आपने debit कर दिया, and you cannot capitalize the borrowing cost to a non-qualifying asset. आपका पूरा इंड एस 16 इधर चेंज हो जाएगा। सो इंड एस 16 क्या बोलता है? ऑल द असेट जो भी आप रिकॉग्नाइज करते हो, इट हैज ऑलवेज, जो भी आप असेट रिकॉर्ड करोगे वो हमेशा कैश प्राइस पे होगा, वो हमेशा कैश प्राइस पे होगा। तो आप क्या करोगे, आज अगर आप 19,534 पे करने वाले हो, यही आपको 3 साल बाद 26,000 पे करना है, ठीक है।
तो व्हाट यू विल डू इज पता है, आप इंटरेस्ट अमाउंट निकालने की ट्राई करोगे, आपको डायरेक्टली सब में दिया रहेगा। अगर ये सब में का नहीं दिया होता तो अपन क्या करते, अपन एक मेथड यूज करते IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि द रेट एट विच आई डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लोज ताकि मैं उसको आज की वैल्यू पे लेके आ पाऊं। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज दैट रेट व्हेन आई डिस्काउंट ऑल द कैश आउटफ्लोज, माई कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो बिकम सेम। मतलब जब मैं 26,000 को ऐसे रेट पे डिस्काउंट करूंगा तो मेरा कैश इनफ्लो जो ये मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ये 26,000 कैश इनफ्लो हो जाएगा। नहीं तो वन सेकेंड, IRR सम जो आपको 10% दिया रहेगा, एग्जाम में आपको दिया रहेगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बट एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ IRR, दैट इट इज अ रेट एट विच यू डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, योर नेट प्रेजेंट वैल्यू विल कम टू जीरो। व्हाई, हाउ इट विल कम टू जीरो, योर कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो विल बिकम सेम। इन दिस केस अभी एग्जाम में वी विल बी गिवन, दिस इज अ अकाउंट पेपर नॉट एन FM पेपर, आपको IRR दिया रहेगा। तो आप जब 26,000 को डिस्काउंट करोगे, दैट इज 26,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आज की वैल्यू पे लाऊंगे एट 10% फॉर 3 ईयर्स, यू विल गेट एट 19,534। मतलब बेसिकली अगर आपके पास, अगर इनवॉइस प्राइस आपको 26,000 दिया है एंड यू डोंट नो द कैश प्राइस, वॉट यू डू, यू गेट ऑल द कैश वैल्यूज एट द प्रेजेंट वैल्यू और वो आपका पीपी में एड होगा, और बाकी जो भी कॉस्ट रहेगा दैट इज योर बोरोइंग कॉस्ट। तो इन दिस केस अभी आप क्या करोगे, ईयर वन में PPE अकाउंट डेबिट करोगे एट 19,534। यू कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट, दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट, इट्स अ नॉन क्वालिफाइंग असेट टू क्रेडिटर्स। हाउ मच, 19,534। नाउ अभी आप क्या करोंगे, इंटरेस्ट पास करोंगे। फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना होगा, 19,534 पे 10%, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट आपको 3 साल बाद करना है। ईयर वन विल बी 1953, अगेन ये ईयर वन का इंटरेस्ट होगा। ईयर टू पे आप क्या करोगे, 19,534 प्लस 1953 कंपाउंडिंग होगा, उस पे 10% पे करना पड़ेगा। तो ईयर टू पे यू विल एंड अप पेइंग 2149 एंड ईयर थ्री पे यू विल एंड अप पेइंग 2363। तो व्हाट विल हैपन एट द एंड, एट द एंड जब आपको पेमेंट करने का टाइम आएगा तब आप करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर कितने से डेबिट हो गया, 19,534 प्लस ऑल द इंटरेस्ट, मतलब 26,000 टू बैंक, बैंक से आप उसको दे दोगे 26,000। आर वी क्लियर? सो इफ यू शो पीपीई एट फुल पेमेंट अमाउंट, अगर आपने गलती से भी पीपीई को 26,000 पे बता दिया, वॉट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर कैपिटलाइजिंग द बोरोइंग कॉस्ट फॉर नॉन क्वालिफाइंग असेट विच इज रॉन्ग। तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका फ्यूचर पेमेंट है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, दैट ये पेमेंट आपको करना होता अगर ये डिफर्ड पेमेंट के टर्म्स नहीं होते, एंड दिस वुड हैव बीन एक्चुअली योर कैश प्राइस विदाउट एनी इंटरेस्ट विच विल गेट कैपिटलाइज एज पीपीई। बट वॉट इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट प्राइस, ये 19,534 है और ये 26,000 है, करेक्ट? ये पेमेंट जो पीरियड है ना, दिस इज लेस देन 1 ईयर, दिस इज लेस देन 1 ईयर। समझो ये 6 मंथ्स में आपको, अगर आप आज पेमेंट देते तो 19,534 दो, अगर 6 महीने में पेमेंट होगा तो 26,000 देंगे। तो इन दिस केस देर इज नो हिडन लोन, इन दिस केस देर इज नो हिडन लोन ट्रांजेक्शन, बट दिस इज अ जेन्यून एंड जेन्यून कैश डिस्काउंट। पार्टी आपको जेन्यून कैश डिस्काउंट दे रहा है, दिस विल अगेन गो इन टू योर PPE, this will go into your PNL. Cash discount is never a part of the cost of the asset. Asset आपका हमेशा 19,534 पे रिकॉर्ड होगा और जो भी आपको डिस्काउंट मिला है दैट विल गो इन टू योर PNL. आर वी क्लियर? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। लेट्स लुक एट इलस्ट्रेशन, कम ऑन पेज नंबर इन योर थियोरी बुक, कम ऑन पेज नंबर 8, 1.8, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8. On 1st April 2011, an item of PPE, uska price tha 1 crore with payment terms being 3 equal installment of rupees 33,33,333 and a 2 period and a, over a 2 period, matlab pehla payment aapko 1st April down payment jaisa tha and rest aapko, you had good credit time of 1 year and 2 year.
implicit interest rate is 5.36% per annum. Show how the property will be recorded in accordance with Ind AS 16. So let's look at the solution. So as per Ind AS 16, अभी तक अपने जो भी पढ़ा Ind AS 16 में क्या अपने को मालूम पड़ा कि what if the payment is deferred beyond the normal credit term, that is 12 months, then asset will be recorded at cash price. And if cash price is not available, then आपकी फ्यूचर पेमेंट का जो भी है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ. अगर कैश प्राइस आज आपको अवेलेबल नहीं है तो फ्यूचर जितना भी आपको पेमेंट करना है ग्रेटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू, दैट शुड बी योर कैश प्राइस. इन द गिवन केस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पेमेंट इज बीइंग डिफर्ड बियॉन्ड टू इयर्स, हेंस वी विल रिकॉर्ड द पीपीई एट कैश प्राइस एंड नॉट 1 करोड़. तो कैसे करेंगे, देखो पहले अपन इसको, सिंस वी डोंट हैव द कैश प्राइस, अपन इसको पहले जो भी अपन फ्यूचर पेमेंट करने वाले उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंटिंग करेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे. सो ईयर 2011 में आपने कितना पेमेंट किया, 33,33,300. ये आपने इमीडिएटली पेमेंट किया. तो अगर डिस्काउंट रेट है 5.36%, तो ईयर वन में ये डिस्काउंट पूरा का पूरा वन ही आएगा, बिकॉज आज आप ही पे करो, ये डिस्काउंट नहीं होने वाला है. तो दिस विल बी 33,33,000. वाई, बिकॉज द पेमेंट इज मेड इन ईयर जीरो, डाउन पेमेंट जैसा है, तो इस पे तो क्या डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज सेम बिकॉज इन द सेम ईयर. 2012 में आप वापस पेमेंट करोगे 33,33,333 का, डिस्काउंटिंग रेट विल बी 0.949, तो कितना हो जाएगा 31,63,333. एंड ईयर 2013 अगेन यू विल पे 33,33,000 एट प्रेजेंट वैल्यू 0.901, डिस्काउंटिंग फैक्टर करो तो 30,03,333. तो टोटल योर कैश प्राइस when you get it to the today's value, तो आपका वो आएगा 95 lakh. So what will happen over the period of time? आज 95 lakhs का cash price है, ये बढ़ेगा at the rate of 5.36% and at the end of 2 years, ये 1 crore हो जाएगा. ठीक है, तो now we have to calculate interest. How do we calculate the interest? एक table बनाएंगे अपन, calculation of finance cost. That is interest expense. जैसे अपन ने प्रीवियस मोबाइल वाले समय अपन ने क्या किया था, कैश प्राइस पे अपन ने इंटरेस्ट डाला था, उसके बाद वापस कंपाउंड किया था, एवरीथिंग वी हैव डन दैट वे. पर ये केस में क्या होगा, देखो ईयर यू हैव द ईयर, यू हैव ओपनिंग, आप कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो, आपने कितना पेमेंट कर लिया है, उसमें से प्रिंसिपल का कितना पेमेंट हुआ है एंड क्लोजिंग का कितना पेमेंट हुआ है. This is basically how we calculate effective interest जो अपन देखने वाले हैं. So year 2011 में opening कितना था, opening अपना कितना आया था, cash price 95 lakhs we just calculated. So 95 lakhs. Interest कितना है, year zero में आज ही तो चालू किया, year zero में interest आएगा ही कहाँ से, but आपने year zero में payment कर लिया है, that is 33,33,333. The whole amount of 33,33,333 belongs to the principal amount. तो आपका क्लोजिंग कितना आएगा, क्लोजिंग विल कम टू 61,66,667. अब ये क्लियर. फिर ईयर 2012, नाउ द ओपनिंग विल बिकम 61,66,667. अभी क्या होगा, आपका ईयर वन में ये पैसा ग्रो होना चालू होगा, बेसिकली कितने से 5.36 से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 3,30,533. तो पेमेंट टोटल आपका फिक्स है, आप तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो 3,33,333. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट यू आर रीपेइंग आउट ऑफ 33,33,333, आप 3,30,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल दैट यू आर रीपेइंग इज 302,800. सो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, 31,63,867. आर वी क्लियर. नाउ नेक्स्ट ईयर 2013, ओपनिंग बैलेंस इज 31,63,867. How much is the interest again 5.36 पे? अभी year आपको पता है कि आपको इधर nil balance हो जाएगा आपका, because third year खत्म होगा तो आपका पूरा का पूरा वो 100 पे पहुंच जाएगा. Principal आप payment तो कितने का कर रहे हो, 33,33,334. So now to make it nil, this will be your balancing figure of how much, 1,69,467. Correct? तो आपका principal amount कितना repay होगा, देखो आपको principal कितना repay करना था, इतना आपका लास्ट ईयर में था. करेक्ट, इतना आपका लास्ट ईयर में था. यू न्यू कि ये लास्ट में नहीं लाना चाहिए, मतलब आपको ये पूरा का पूरा रीपे करना पड़ेगा 31,30,60,867. यू आर आउट ऑफ
दैट आप प्रिंसिपल कितना रीपे कर रहे हो, 33 लाख 33, तो उसमें से इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, प्लीज डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस, थोड़ा कुछ फर्क आएगा राउंडिंग ऑफ, बट विल टेक इंटरेस्ट एज द बैलेंसिंग, विल टेक इंटरेस्ट एज द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया आपका, आपने क्या किया, 33 लाख 33 334 में से प्रिंसिपल अमाउंट पे किया 3163867, क्योंकि वो अपना पेंडिंग था, करेक्ट, इतना पेंडिंग था, तो बाकी आपका इंटरेस्ट था। सो व्हाट हैव वी डन, पता है, जो 95 लाख का कैश प्राइस था, और अब बिकॉज आप 2 महीने 2 साल बाद पे कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 5 लाख का, करेक्ट। ये 5 लाख का इंटरेस्ट आपने क्या किया, यू दिस इंटरेस्ट यू आर स्प्रेड ओवर 3 पेमेंट्स, अगर आप ये इंटरेस्ट कॉलम को ऐड करोगे दिस विल कम टू 5 लाख रुपीज। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन दिस केस, जर्नल एंट्री अपन क्या करेंगे, 1 अप्रैल को वी विल रिकॉर्ड द पीपीई एट कैश प्राइस ऑफ 95 लाख टू बैंक, अपन कितना रीपे करेंगे बैंक को, 33 लाख 33 अपन रीपे करेंगे, और बाकी टू क्रेडिटर, अभी तक पैसा देना बाकी है, कितना देना बाकी है, 61,066, 61,000 सेकेंड, so this will be 61,066,667, that is initial recognition of the property. उसके बाद after that as on 31st March 2012 again there is a payment जो आपको pay करना पड़ेगा, that is to bank, how much you will pay, 33,33,333, आउट ऑफ विच यू विल रिकॉर्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप पे करने वाले हो, दैट इज अप टू 3,30,533, द अमाउंट विच वी कैलकुलेटेड इन द टेबल, एंड क्रेडिटर्स टू 30,02,800 अपन ने पे किया है। एंड नाउ नेक्स्ट इन द ईयर नंबर 3, थर्ड ईयर, यू विल अगेन पास अ जनरल एंट्री, दैट इज ऑन 31st March 2013, ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कितना पे किया इंटरेस्ट, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर 169,467, देन यू हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ हाउ मच, 31,63,000 आपने रिवर्स किया है, एंड टोटल अपना आपने जो पे किया है दैट इज टू बैंक इज 33,33,333। Now note one thing very important, ये जो cash price था आपका, cash price कितना था, what was the cash price, cash price was 95, okay, 100 is the amount which you are paying, तो ये जो 5 rupees था ये discount नहीं है आपका, this 5 rupees extra you are paying is nothing but the interest, because आप defer करने वाले हो payment, आप payment 2 साल बाद करने वाले हो, this is, that is the reason this extra 5 lakh is the interest that is being charged over the that is being charged over 2 years. What if alternate payment option available tha, yes, say if entity, if the entity opt for upfront cash payment, pura ka pura main ek saath mein aaj hi pay kar dunga, in such case what will you do, is case mein directly journal entry hi aata aapka, directly PPE account debit to bank, that is 95 lakhs, correct? So your 5 rupees what your actually asset ka price, 5 actually asset ka price was 95 only, because you are, you want interest, because payment is differing beyond the normal credit terms, jo extra 5 rupees hai that you are paying as interest. Are we clear? Great. Let's come on to next illustration number 9. Illustration number 9, page number in your theory book, page number 1.8. ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred this cost. Cost of the plant, that is cost plus cost per supplier,
Invoices plus tax is 25 lakhs. Initial delivery and handling cost is 2 lakhs. Cost of site preparation is 6 lakhs. Consultant used for advice on the acquisition of plant is 7 lakhs. Interest charge paid to the supplier of the plant and deferred credit is 2 lakhs. Net present value of the estimated dismantling cost to be incurred after 7 years is 3 lakhs. And you have operating loss before commercial production of rupees 4 lakh. Please advise ABC Limited on the cost that can be capitalized in accordance with Ind AS 16. इस केस में अगेन इट्स अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन सेम जैसा है खाली इसमें डिफर्ड क्रेडिट का दिया हुआ है. सो यू आर इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी मतलब आपने प्लांट डायरेक्टली बाय किया है. सो कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज नथिंग बट 25 लाख plus initial delivery cost, how much? That is 2 lakhs. Then you have add cost of site preparation, that is 6 lakhs. Then you have consultant fee. You have consultant fees of 7 lakhs. And then there is interest charge paid to the supplier of the plant and deferred credit. Abhi apne just kiya, if you are paying interest because of the deferred credit, so in that case, that won't form a part of your PP, but that is finance cost that will go to P&L. And next you have dismantling cost. Uska already apne ko present value karke diya hai. Dismantling cost at present value is 3 lakhs. So what is the cost? And there's one more thing, operating losses before commercial production. Now, before commercial production start, aapne operating loss kar diya. This is an exception to the directly attributable cost, which won't be added to the cost of the asset. Hence, the cost that you will show, the cost of PPE that will be recorded will be 43 lakhs. Are we clear? Great. So with this, our first part of the accounting standard, that is initial recognition at cost, is done. Now we'll start with the second part.